हर साल 2 करोड़ नौकरियां। 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये सब वादे फिलहाल मिस्टर इंडिया की तरह शायद कहीं गायब हो गए हैं और अब जनता को उस लाल शीशे की तलाश करनी पड़ेगी जिससे मोदी जी के ये वादे कहां मौज कर रहे हैं ये देखा जा सके। खैर, मुबारक हो, आज बात करेंगे देश के उस उज्जवल भविष्य की जो बेरोजगार हो चुका है। देश में अब तक 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया और ये जन्मदिन पीएम मोदी भी कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, एक देश तभी मजबूत होता है जब देश का हर नागरिक अपने आप में सक्षम हो, लेकिन जिस देश में एक शख्स के भरोसे उसका परिवार चलता हो, अगर ऐसे देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं, तो ज़रा सोचिए क्या होगा। बेरोजगारी दर इस कदर चरम पर पहुंच गई है, यह मोदी सरकार की हर बात पर तारीफ करने और पुलिंदे कसने वालों को भी महसूस हो रहा होगा, जब उनके बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी के लिए तरस रहे हैं और घर पर बेरोजगार बैठे हैं, और मिल भी रही है तो 7 से 8 हज़ार रुपये की नौकरी। साहब, जब नौकरी 7 से 8 हज़ार की ही मिलनी थी तो पढ़ाई की ज़रूरत क्या थी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि मोदी नहीं तो फिर कौन। NSSO के आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल जून की तिमाही में GDP पहली बार -23.9 तक पहुंच गई है। निश्चित तौर पर इसका असर रोजगार पर भी दिख रहा है। कोरोना से जुलाई में बेरोजगारी दर गिरकर जनवरी फरवरी के स्तर पर, यानी कि COVID-19 के स्तर पर आ गई थी। हालांकि अगस्त में मामूली बढ़ोतरी हुई। CMIE के मुताबिक नौकरी गंवाने वालों में 35% 20 से 25 साल के युवा हैं। 20 से 25 साल एज ग्रुप के कर्मचारी कुल वर्कफोर्स का 9% हैं। दूसरी तिमाही में जिन लोगों को COVID-19 की वजह से नौकरी गंवानी पड़ी, उनमें इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 35% तक रही। CMIE के मुताबिक फॉर्मल सेक्टर में 11.5 लाख नौकरियां जा चुकी हैं और बेरोजगारी की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराती है तो दोस्तों, ये बोझ और संकट देश के गरीबों और किसानों पर पड़ता है। रईस लोगों और सरकारों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो टैक्स बढ़ाकर अपनी ज़रूरत का पैसा आपसे वसूल ही लेगी। देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले पीएम मोदी रैलियों में लंबे लंबे जुमले पढ़कर चले जाते हैं। 2 करोड़ नौकरियां तो बहुत दूर, साहब देश में अब तक 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन पीएम साहब खामोश हैं। बड़ी बात तो यह है कि देश में हालात कोरोना के वक्त ही नहीं बिगड़े, बल्कि ये कोरोना से पहले ही काफ़ी बुरे दौर में पहुँच चुका था, लेकिन आंकड़ों को हर बार आपसे छुपाया गया, चाहे वो रोजगार की बात हो या देश की अर्थव्यवस्था की, दोनों ही गर्त में पहले ही समा चुके थे। रही बची कसर कोरोना काल में पूरी कर दी और अब इसे एक्ट ऑफ गॉड नाम दिया गया है और सरकार को नाकामी छुपाने का कोरोना काल में आपदा में अवसर वाला मौका मिल गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।